हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जिनका ड्रीम जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, या फिर जो जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर की प्रोफाइलिंग क्या है और जीएसटी इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, जीएसटी इंस्पेक्टर बनते कैसे हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। मैं खुद भी इसी पोस्ट पर हूं तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और जो पूजा के व्यूज़ हैं वो शेयर करूंगा कि जब तैयारी करते हैं तो कैसा लगता है और उसके बाद जो है जर्नी कैसी रहती है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। और आप देख सकते हो सबसे पहले पर्सनैलिटी में जो ड्रास्टिक चेंज आता है ना एक स्टूडेंट की लाइफ में आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड, तो ये देख सकते हो आप पूजा और अब ये देख सकते हो इंस्पेक्टर पूजा, तो दोनों में आप देखोगे कि बहुत फ़र्क है। ठीक है, ये फ़र्क आपकी लाइफ में भी आ सकता है जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। इनका नाम पूजा शर्मा है और ये भरतपुर से हैं, राजस्थान, और वडोदरा में इनकी पोस्टिंग हुई थी और इन्होंने प्रिपरेशन शुरू करी 2015 में। ठीक है, यानी ये 2015 में शुरू करने के बाद पहले ही अटेम्प्ट में सीजीएल 15 से लग गई। इनका कहना ये है कि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जो सिलेक्शन है उसमें। कोचिंग या कोई भी गाइडेंस जहाँ पर आपको ये पता लगाया, जहाँ पर आपको ये पता लगे कि तैयारी कैसे करनी है, क्या रिसोर्सेज चूज़ करने हैं, कौन सी पोस्ट चूज़ करनी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, टाइम और सोशल रिस्पेक्ट ये दोनों जो है इस पोस्ट में आपको मिलते हैं, यानी आपके पास अच्छा टाइम भी होगा कुछ भी आप फर्दर जो करना चाहो उसके लिए, और सोशल रिस्पेक्ट भी। तो एक एक चीज़ देखेंगे इस वीडियो में। मैं पोस्ट प्रोफाइल भी बताऊंगा आपको कि प्रमोशंस कब होते हैं, ट्रांसफ़र्स कैसे होते हैं, सब कुछ कहाँ पर काम होता है कहाँ नहीं होता है। तो पहले प्रिपरेशन से शुरू करते हैं जो पूजा के बारे में है। ठीक है, पहली थिंग जो पूजा ने करी थी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, और उन्होंने उस पूजा को वहाँ पर बताया पहले दिन कि क्या क्या होता है इस एग्ज़ाम में और कौन कौन सी पोस्ट है। पोस्ट के जानने के बाद पूजा ने इस एग्ज़ाम को दिया और इसमें जाना सही समझा। इन्होंने लगभग क्लासेस अटेंड करती थी और टेस्ट देती थी जो मॉक टेस्ट हैं प्री एग्ज़ाम के, हफ्ते में दो। ठीक है, जो कोचिंग वाले कराते थे। पहले टेस्ट जब इन्होंने दिया था उसमें सिर्फ 72 मार्क्स आए थे और तीन डिजिट में जितने बच्चे थे। अगर किसी कोचिंग में 1000 बच्चे हैं तो उसमें आप समझ सकते हो कि 500-600 रैंक अगर आ रही है 72 मार्क्स पर, तो 72 से आप देखोगे सीधा पूजा ने 142 मार्क्स यानी कि डबल कर दिए अपने लास्ट के मॉक तक जब प्री से पहले, और सेकेंड रैंक कोचिंग में इनकी आने लगी थी। तो ये था इनका फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन जो इन्होंने 4-5 महीने लगाए। ठीक है, 6 महीने मैं आपसे मांगता हूँ आपकी प्रिपरेशन के लिए, 6 महीने, और आपकी रैंक डेफिनेटली इंप्रूव होगी। हमारे साथ जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर ग्रुप है हमारा एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन का, वहाँ पर टारगेट दे रहे हैं आपको, सब कुछ करा रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ तरीके से होगी। मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता, उस हिसाब से भी तैयारी कराने के 6 महीने के अंदर डेफिनेटली सब रिजल्ट मिलेगा, आपका स्कोर इंप्रूव होगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ठीक है, अब इनका सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे भी हुआ था अगले सीजीएल में, 3 स्टार से देखो ये पावरफुल पोस्ट में आ चुकी है। ठीक है, और प्रिपरेशन डेज की बात करें अगर, जर्नी जो है इनकी, जो टीयर 2 था वो 2015 का अक्टूबर में था, 1 महीने बाद ही जब टीयर 1 का रिजल्ट आया। तो ये सबसे मुश्किल होता है कि आपको ये 1 महीने में आपको सब कुछ करना है। तो इन्होंने टेस्ट सीरीज लगातार देती थी, 4 टेस्ट देती थी दिन में। ठीक है, 2 दिन देती थी यानी 8 टेस्ट ये 2 दिन में ही निपटा लेती थी, यानी एक मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं थी, 4 देती थी एक साथ। उस टाइम पर बड़े बड़े मॉक टेस्ट होते थे 200-200 क्वेश्चन के, वो इन्होंने करे। और मोस्ट डिफिकल्ट था कि कंटिन्यूस सिटिंग करती थी और कोई लंच नहीं उसके बीच में, सिर्फ चाय बिस्किट पर जिंदा थी जो 2 दिन थे उस हफ्ते के। तो ग्रेट सक्सेस जो है गाइज रिक्वायर्स ग्रेटर सेक्रीफाइसेस, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा टू गेट अ पोस्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें, कोई भी चीज़ इजी नहीं होती अनटिल आप जो है एफर्ट्स डालो ना। ठीक है, मुश्किल नहीं होती, ठीक है, तो मुश्किल तब तक लगेगी जब तक एफर्ट्स नहीं होंगे। ये रिवाइज करती थी कॉन्सेप्ट को, प्रैक्टिस करती थी 5 दिन जो टेस्ट सीरीज वाले थे उनके, 5 दिन रिवीजन चलती थी इनकी। ये इनका टीयर 2 का था, टीयर 3 में इंटरव्यू होता था उस टाइम पे, तो इनके 3 फ्रेंड थे वहाँ मिलके इन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसमें इनकी बहुत अच्छा स्कोर आया, जिसके बाद ये सेलेक्ट हुई जीएसटी एंड कस्टम्स में। जीएसटी एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट बहुत ही वर्सेटाइल डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ इंस्पेक्टर पोस्ट पर। ठीक है, कैसा काम होता है वो भी। पहला दिन जो इनकी जॉब में था ये कभी नहीं भूलेंगे, इनका कहना है कि स्टूडेंट लाइफ को छोड़ के अब ये प्रोफेशनल लाइफ में आ चुकी थी। कुछ ऐसी चीज़ जो ये
भूल नहीं सकती, और अलग अलग लोगों से मिलना, काम करना, क्योंकि जीएसटी में आपको पब्लिक डीलिंग भी है, यानी आप पब्लिक ऐसा नहीं है फ्रंट फेस पर पब्लिक से डील कर रहे हो, बेसिकली यू डील विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो आते हैं जनरली ऑफिसेज के अंदर। इनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ ऑर्डिनरी स्टूडेंट से, अब ये इंस्पेक्टर हैं, 3 स्टार इनके शोल्डर पे, अशोक एम्बलम इनके हार्ट पर है, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से लिखा है। और ड्यूटीज़ जो है इसके साथ वो पर्सनैलिटी में बहुत चेंज लेके आती हैं हर उस कैंडिडेट के जो इंस्पेक्टर बनता है, ठीक है। अनदर चेंजिंग फैक्टर इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन्हें मिली, क्योंकि सैलरी जो है एक डिसेंट अमाउंट की मिल रही है, कितनी मिल रही है अभी दिखाऊंगा वो भी मैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं इस पर दिखाऊंगा, और ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म से बहुत ज़्यादा पावर फील होने वाली है, प्रेशर फील होने वाला है सोसाइटी में आपको, ये भी मैं इस मिथ को क्लियर करूंगा और बिल्कुल बेसिक से तरीके से बताऊंगा कि डेस्क जॉब है कैसी है, ग्राउंड रियलिटी। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, वीडियो पूरी देखते रहना, 2x पे देख लो बेशक। इन दिस होल जर्नी, 1 साल की जो इनकी होल जर्नी थी, इनको ये बताना चाहेंगे कि स्टार्ट कर दो कोई भी कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेनी, या फिर किसी को भी फॉलो कर लो गाइडेंस के लिए से हम बता रहे हैं, ताकि आपका एक सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन चले, मॉक टेस्ट हुए, चाहे आपके मटेरियल हुआ, हर चीज़ आपके एक सिस्टमेटिक वे में चलनी चाहिए, ठीक है। और कॉम्पिटेंसी आपको फील होनी चाहिए, जिस दिन वो फील होगी तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, यानी आपको घर बैठ के भी ये फील होना चाहिए कि कितने लोग आपसे आगे हैं, वो हम फील करा देंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो इनिशियली ये बहुत वो करेगा, आपको वियर्ड लगेगा, जैसे ये भी बोल रही है सब, मुझे भी लगता है आपको मैं बोल रहा हूँ तो लग रहा होगा, बट जैसे जैसे आप दिन पे दिन बीतेंगे आपको अच्छा लगने लग जाएगा, और इम्प्रूवमेंट आपकी, आपको स्ट्रेंथ वीकनेस सब पता लगेंगी। क्या ये जॉब अच्छी है या नहीं, ये डिपेंड करता है। देखो पैसे तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, एक वर्दी भी मिल रही है, तो भाई अब ये डिस्कस मैं करूँगा इसी वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। इनकी एडवाइस क्या है बच्चों के लिए, कि जो ये बोलना चाहती है कि जो इन्होंने बताया टेस्ट देना, उसके साथ साथ आप उसे डिस्कस भी करो अपने ग्रुप के साथ, जो भी आपके फ्रेंड है, उस टेस्ट के रिजल्ट को, ठीक है। आप हमारे ग्रुप में करो, अगर कोई नहीं है तो वो ग्रुप मैं बता रहा हूँ नीचे है, 20,000 बच्चे उस पर जुड़ चुके हैं जितने फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उनमें से। आई वॉन्ट टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट ये 3 लोग थे, और तीनों के 3 का पहले ही अटेम्प्ट में CGL निकल गया, यार बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब मेरी एडवाइस क्या है कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप अपना बेस्ट ऑप्शन चूज़ करें, कोई भी चीज़ हो आप मतलब अपने लिए ध्यान से देखें। ऐसा नहीं है कि आप ये जो देखते हो बहुत सारा पैसा हो रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये इंटरनेट इमेजेस मूवी टेल्स हैं, कुछ जो आपको फैसिनेट करेंगी, बट फ्यू थिंग्स आर रियल, कुछ चीज़ें रियल भी होती है, वो उन्हीं के लिए जो उस सेक्शन में पोस्टेड है, ठीक है। अब देखिए GST कस्टम्स के ना ऑफिस ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है, आप देख सकते हो जितने भी ऑफिसेज हैं पूरे इंडिया में, हर छोटी जगह भी मिलेंगे आपको, जेड सिटीज़ में भी होंगे। ये सिटीज़ क्या है अभी बताता हूँ, GST डिपार्टमेंट की वेबसाइट है CBIC, इसमें आपको सारी प्रोफाइलिंग सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे ही आपकी सैलरी अगर मैं बात करूँ तो सैलरी जो है वो ये नॉन गजेटेड पोस्ट है और एग्जीक्यूटिव कैडर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में आती है, ठीक है। इसमें बेसिक पे 44,900 है, यानी 45,000। डियरनेस अलाउंस मिलता है जो आपका रिवाइज होता रहता है महंगाई के हिसाब से, फिर बढ़ जाता है, तो अभी जैसे 17,000 रुपये ये है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, एक्स सिटी के अंदर इतना मिलता है और वाई सिटी के अंदर अलग होता है, जेड सिटी के अंदर अलग होता है। HRA 27% है, ये भी सिटी टू सिटी वेरी करता है, बेसिकली जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 15 लाख से कम होती है वो जेड में आ जाती है, उससे ऊपर पर एक्स में, वाई में, फिर उससे ऊपर पर कुछ लिमिट है, जैसे 50 लाख उससे ऊपर पर एक्स में, ठीक है। तो ये सिटी वाइज डिवाइड होते हैं। ग्रॉस सैलरी अगर बात करें, बेसिक DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस रहने का, ये सारा मिला के लगभग 80,000 रुपये आपकी सैलरी बनती है। इसमें से अगर आप डिडक्शंस को हटा दें, ठीक है, ये 80,000 में से डिडक्शन हटा दें तो एक्स सिटी के अंदर लगभग आपकी 74,000 के लगभग सैलरी बन जाती है इन हैंड, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ आपकी प्रोसेस की, जो आप सेलेक्ट होते हो, तो प्रोसेस में क्या है आपका CGL का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, SSC CGL का। इसमें आपके टीयर्स होते हैं, 4 लेवल होते हैं, ठीक है, और Tier 1 क्वालिफाइंग है, ठीक है, और उसके बाद आपका Tier 2 है। Tier 2 में आपके जो है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, ये आते हैं। तो मैथ्स रीजनिंग एक सेक्शन में आता है और आपका GS और इंग्लिश ये एक सेक्शन में आता है। लगभग ये 180 मार्क्स के आते हैं आपके, 30-30 क्वेश्चन होते हैं इन दोनों के अंदर, 90-90 नंबर के, ठीक है, 3-3 नंबर का एक। ये आपके 25 क्वेश्चन इसके होते हैं, 45 क्वेश्चन इधर होते हैं, तो लगभग आप देखोगे ये 70 और 210 का ये होता है, 390 नंबर का आपका मेंस आता है। तीसरा आपका कंप्यूटर का रहता है पेपर, वो क्वालिफाइंग रहता है। चौथा आपका जो है टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट, वो भी क्वालिफाइंग रहता है। तो ये आपके 4 लेवल होते हैं, ये इसी के साथ इंक्लूडेड है, सारे एक दिन में हो जाते हैं जो नया पैटर्न है।
तो यानी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप देखोगे पेपर में पहला क्वालिफाइंग सिर्फ 390 में से आपको स्कोर करना है, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो SSC डिपार्टमेंट को भेजता है और वहाँ पर वेरिफिकेशन होती है, फिर आपकी जो आपको स्टेट मिलता है मेरिट बेस पर। जैसे आपके नंबर आए 390 में से सपोज 380 और किसी के आए 385, तो आपके अगर होम स्टेट बिहार है और किसी का होम स्टेट दिल्ली है, तो अगर आपने दिल्ली मांगा है और उसने बिहार मांगा है तो आपको दिल्ली दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप बिहार मांगते हो तो आपको बिहार, मतलब हाइयर मेरिट वाले को हाइयर एलोकेशन होगा, ठीक है। वो ज्वाइनिंग उसके बाद मेडिकल वगैरह के बाद एक जो है आपकी दिन में भी आ सकते हो और एक महीने में भी, ठीक है। मेडिकल में एज सच कोई इतना इशू नहीं है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा, पूरी वीडियो देखना इसमें, ठीक है। ट्रेनिंग उसके बाद सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग लगभग 14 हफ्ते की होती है, 3.5 मंथ की, ठीक है। इसमें आपकी लगभग वेपन ट्रेनिंग होती है 2 वीक की, 14 दिन की, ठीक है, जिसमें आपको वेपन्स का सारा कुछ बताते हैं। ड्रिलिंग होती है, यानी आपकी सुबह सुबह PT वगैरह कराते हैं। वेपन ट्रेनिंग में PT रहेगी आपकी, दौड़ भाग ये सब, और उसके बाद गन्स का रहता है कि गन्स की क्लासेस रहती है, आपको सिखाते हैं कौन सी बंदूक कैसे चलती है, AK-47 है तो वो कैसे चलती है, सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। राइफल्स जितनी है वो, पिस्टल्स हो गई आपकी, ग्रेनेड हो गया आपका, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखा देते हैं, ठीक है। प्लस आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, क्लासेस होती है थ्योरेटिकली वो सिखाते हैं, नारकोटिक्स की क्लासेस होती है, सारा कुछ आपका इन 14 दिन में हो जाता है। बाकी 3 महीने में आपके GST एंड कस्टम्स का चलता है, यानी GST में काम कैसे करते हैं, कस्टम्स में कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ नासेन रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर होती है। इसमें आपको सारी कुछ जो मैंने बताया ये सारी चीज़ें बताते हैं, ट्रेनिंग का डिटेल में और एक नेक्स्ट वीडियोस में मैं बता दूंगा, ये बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने ट्रेनिंग का कंसाइज वे में आपको बता दिया है, ठीक है। फीडबैक दे देंगे ओरिजिनल ट्रेनिंग के टाइम के, ठीक है। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन आपकी मांगी जाती है, ठीक है। आप UPSC स्टेट PCS इसके साथ प्रिपेयर कर सकते हो, अभी लास्ट में बताऊँगा ये भी। डिफरेंट सेक्शंस की पोस्ट वर्क प्रोफाइल दिखाऊंगा। सेक्शंस का एलोकेशन कैसे होता है वो रैंडम ही होता है, मेरिट बेस्ड नहीं है, ऐसा नहीं आपके ज़्यादा नंबर है रैंक CGL में तो आपको अच्छा सेक्शन मिलेगा। वर्कलोड मेल फीमेल के लिए अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, फीमेल को किसी किसी जगह पर रिलैक्स कर देते हैं कि अगर घर जल्दी जाना है या अगर प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पर कुछ लीव्स वगैरह है चाइल्ड केयर वो एक्स्ट्रा मिल जाती है, ठीक है, बाकी नॉर्मल सेम रहता है। नेचर ऑफ वर्क की मैं बात करूँ तो दोनों टाइप का होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है फील्ड यानी और डेस्क जॉब भी होता है, प्रोटोकॉल भी लगती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी मैं समझाऊंगा। प्रमोशनल एस्पेक्ट दिखाऊंगा, कलर ब्लाइंड इस पोस्ट में एलिजिबल नहीं है, ठीक है, यानी अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो ये चीज़ चेक कर लेना। कलर ब्लाइंड क्या होता है गूगल पर सर्च करना, आईशारा टेस्ट में आप ये सर्च करना, आईशारा टेस्ट फॉर कलर ब्लाइंड, वहाँ पर एक कुछ लिंक खुल के जाएगा, वहाँ अलग अलग कलर्स की वो होगी, आप उन्हें पढ़ना और अगर आपका स्कोर फुल आता है 22 में से 22 या जो भी प्लेट्स हैं तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हो, पर अगर आपके 2-4 नहीं पढ़ पा रहे तो आप पार्शली कलर ब्लाइंड हो फिर इस पोस्ट में एलिजिबल नहीं हो, ये बहुत सीरियस है कि कलर ब्लाइंड चेक कर लेना। सैलरी और लीव, सैलरी की मैं बता चुका, लीव्स आपको मिल जाती हैं साल में 30 लीव अर्न लीव मिलती हैं, 8 कैजुअल लीव यानी कि और 2 RH यानी 40 छुट्टियां तो ये हो गई, प्लस मेडिकल की 10 छुट्टियां हो गई, यानी 50 छुट्टियां आपको साल में ही मिलती हैं। सैटरडे संडे इसमें ऑफ रहता है, ठीक है, तो लगभग अगर आप देखोगे एक महीने में 8 सैटरडे संडे होते हैं तो 100 तो सैटरडे संडे हो गए प्लस 50 ये लीव हो गई, तो 200 दिन वर्किंग होते हैं अगर कुछ गेजेटेड हॉलीडे को हटा दें तो 150, अगर आप आधा साल एक तरीके से देख सकते हो पढ़ाई करने के लिए देखो तो आधा साल है, ठीक है। यूनिफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो यूनिफॉर्म है इसके अंदर, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है 10,000 रुपये आपको हर साल में एक बार। ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है यानी आपको बैग मिलेगा एक, 3500 रुपये उसके मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये आपके अलाउंसेस हैं। यूनिफॉर्म आपको रोज़ नहीं पहननी होती है, स्पेशल मौके जैसे कि, ये रियलिटी है आप कैसे भी समझो, मैं रियलिटी बताता हूँ उस चैनल पर, तो रियलिटी यही है, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई या कंट्रोल रूम ड्यूटी हो गई, कंट्रोल रूम मतलब घुसते ही एक इंस्पेक्टर को बिठाया जाता है देखने के लिए या प्रोटोकॉल के लिए, ऐसे मौके पर आपको पहनना पड़ता है, ठीक है, कंट्रोल रूम में बैठना है आपको, कोई टैक्स पेयर आ रहा है उसको लगना चाहिए, तो ऐसे मौके पर इंस्पेक्टर्स को यूनिफॉर्म पहननी है, बाकी 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी ऐसे मौके तब पहननी है, या किसी और ऐसे ऑपरेशन में जाने की जहां पर ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टिगेशन में वहां पहन सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई हो रेड वगैरह जैसे मैंने बोला वहाँ पहन सकते हैं। बाकी कस्टम्स में पहनते हैं तो GST कस्टम, जैसे दिल्ली में मैं पोस्टेड हूँ, दिल्ली में कस्टम्स में पहनते हैं, तो कुछ सेक्शन से कस्टम में वहाँ नहीं पहनते, बाकियों में पहनते हैं, एयरपोर्ट पर है तो पहनते हैं, अगर ICD पर है कंटेनर डिपो पर तो नहीं पहनते, ठीक है, तो ऐसे यूनिफॉर्म का रोल है यहाँ पर, ठीक है। यूनिफॉर्म के पैसे आपको हर साल मिलते हैं और काफ़ी प्राइड फील होता है जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों का ये कहना कि यूनिफॉर्म नहीं पहनते, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप कस्टम्स में अगर एयरपोर्ट पर हो तो पहनते हैं डेली, ठीक है, जब जब आपकी ड्यूटी होगी, वहाँ पर भी कुछ सेक्शन है जहाँ नहीं पहनते बट मेजर में पहनते हैं, ठीक है, और ICD में नहीं पहनते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में जाने पर पहन सकते हैं, ठीक है। और अब आगे चलते हैं,
डिफरेंट सेक्शंस की जो मैं बात कर रहा था, डेस्क जॉब, फील्ड जॉब। डेस्क जॉब में आपके सेक्शंस आ जाते हैं, जैसे विजिलेंस, रिव्यू सेक्शन, लीगल, एडजुडिकेशन। ये क्या सेक्शन होते हैं? डिपार्टमेंट के अंदर के खुद के सेक्शन। जैसे एक रिपोर्ट दूसरे सेक्शन पर गई तो वो उसकी पूरी रिव्यू करेगा क्या है उसके अंदर, ठीक है, एडजुडिकेट करेंगे। कुछ लॉ से रिलेटेड मैटर है, लीगल सेक्शन देखेगा। ऐसे इंटरनल सेक्शंस होते हैं PND, एस्टेब्लिशमेंट का, जैसे एडमिन का है, कुछ परचेज करना है, ऐसे सेक्शंस में भी पोस्टिंग होती है। फिर आपका आता है फील्ड वाला, तो फील्ड में आपकी पोस्टिंग होती है रेंज में। जैसे रेंज में हो आप तो वहाँ उसको एक तरीके से बोल सकते हो कि फील्ड ही है। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है कंपनीज़ की, चेक करने के लिए वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती हैं। फिर आपका एंटी इवेजन होता है, प्रिवेंटिव सेल, जहाँ पर आप डाटा इकट्ठा करते हो और पार्टीज जो हैं फील्ड में जब आप जाते हो उनका देखते हो कि जो भी वो कर रहे हैं सब कुछ सही है, मतलब जो GST बिल इशू हो रहे हैं वो फेक तो नहीं है। इस टाइप के सारे काम होते हैं एंटी इवेजन में, कि फेक कुछ काम नहीं हो रहा हो, जो ड्यूटी भरी है वो सही है और कुछ और ऐसा वैसा काम तो नहीं हो रहा है, वो सारा कुछ यहाँ होता है। ये पूरी फील्ड ड्यूटी होती है, ठीक है। ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, DGGI, यहाँ पर भी यही काम होता है पूरा। DRI होती है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये कस्टम की इंटेलिजेंस यूनिट होती है, ये देखती है कि कुछ भी जो स्मगलिंग हो रही है, चाहे वो फॉर्ज नोट्स हैं जैसे फर्जी सीरीज में हुआ, तो वो ये DRI चेक करती है, ठीक है, बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस गैदर करके। या फिर कोई सोने की स्मगलिंग हो रही है, या फिर कोई ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, एनिमल स्किन की, ये सब DRI भी देखती है, और DGGI GST से रिलेटेड देखती है। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं। फिर ऑडिट सेक्शन आ जाता है आपका, ऑडिटिंग होती है, जैसे ऑडिटर करते हैं वैसे ही कंपनीज के चेक करते हैं बिल्स वगैरह, वो सब कुछ ठीक है उनके, पूरे साल जो उन्होंने किया, उनके लेजर्स देखना, उनकी जो है वो बिल बुक्स देखना। जब किसी, जैसे आप होटल में गए तो होटल्स 5-स्टार होटल्स हैं, तो उन्होंने जितने बिल इशू किए हैं वो सही हैं, उनके ऑडिटिंग करना, ये सारा काम ऑडिट वाला भी GST का एक सेक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं। कस्टम्स पूरा एक अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। तो आप GST कस्टम में लगते हो तो दो, एक तरीके से आप दो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, GST में अलग, कस्टम्स में अलग। तो होता क्या है, लगभग 5-6 साल GST में रहते हैं, 4-5 साल कस्टम्स में रहते हैं। तो ऐसे डिवाइडेड होता है, 10 साल में 60-40 की इसमें स्ट्रेंथ में आप चलोगे तो दोनों में आपको काम करने का मौका मिलता है, तो एक अच्छा डिपार्टमेंट है। हाँ, यूनिफॉर्म की बात करें, जैसे मैंने बताया कुछ लोगों को लगता है नेगेटिव इससे क्रिएट करते हैं, तो कस्टम्स तो हमारे पास ही है, वो पहनेंगे ही पहनेंगे यूनिफॉर्म, ठीक है। GST में भी कुछ जगह पर आपको पहननी पड़ेगी, और डेली, सच बताऊं तो यूनिफॉर्म पहनने में आपको डेली हैक्टिक भी लगेगा, क्योंकि आप डेली इसमें बियर्ड, अगर कुछ बच्चे पूछते हैं बियर्ड का, तो बियर्ड आप यूनिफॉर्म के साथ नहीं रख सकते, तो वो एक इशू आ जाता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कुछ मौके पर पहननी है, उस टाइम पर आपको बियर्ड नहीं रखनी है, इस टाइप के कुछ इशूज आ जाते हैं, उसको कैरी करते वक्त आपको उसकी प्राइड को मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई और डाउट है तो कमेंट करना। मेडिकल और उसके बारे में बता देता हूँ, मेडिकल में कोई इतना इशू होता नहीं है, ठीक है। मेडिकल में जो जो नोटिफिकेशन में वो चलता है आपका, अगर कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, बाकी हाइट आपकी होनी चाहिए वो मैं दिखा दूंगा, बाकी अगर आपको कोई छोटी मोटी ब्लड प्रेशर वगैरह की है तो वो आपको टाइम देते हैं, दोबारा रीमेडिकल हो जाता है थोड़े टाइम बाद, और वो सब फिर आपका क्लियर हो जाता है, आपको दवाइयां देते हैं या कुछ ऐसे चेकअप्स होते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार हो जाता है, नासिन कराता है, कानपुर इंस्पेक्टर्स का, आप देख सकते हो। अब इस साल अगस्त में होना है, 1 अगस्त से 3 अगस्त तक, यहाँ पर ये एग्ज़ाम पास करना जरूरी है आपको कन्फर्म एम्प्लॉय होने के लिए। 26 फरवरी, 24 से 27 फरवरी, ये अगला शेड्यूल रहेगा, ठीक है। तो ये इस साल का हो गया, जैसे लेटेस्ट वाला। तो इस चैनल पर मैं सारी चीज़ें लेटेस्ट ही शेयर करता हूँ, ट्रेनिंग में भी एग्ज़ाम होता है वो भी बताऊँगा। प्रमोशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो, प्रमोशन में आपका सुपरिटेंडेंट की पोस्ट 15,000 है लगभग, ये 2019 का डाटा, लेवल 8 की पोस्ट होती है सुपरिटेंडेंट। तो प्रमोशन जोन वाइज अगर मैं बात करूँ, जोन वाइज यानी आपके स्टेट का भी, जैसे बेंगलोर कर्नाटका से हो तो 2016 बैच का हो गया है, 2016 बैच का मेरा मतलब है इन्होंने 2018 में ज्वाइन किया होगा, लगभग 5 साल में जनरल कैटेगरी प्रमोट हो गई बेंगलोर में। भोपाल में भी लगभग यही चीज़ है, 5 साल में। भुवनेश्वर में और फास्ट है, लगभग 3-4 साल में, 3-3.5 साल में प्रमोट हो गए, सुपरिटेंडेंट बन गए। चंडीगढ़ थोड़ा स्लो है, यानी कि चंडीगढ़ में आप देखोगे लगभग 10 साल हो चुके हैं, 10 से ज़्यादा, ठीक है। चेन्नई में आप देखोगे लगभग 6 साल में, ठीक है। दिल्ली के अंदर आप देखोगे लगभग, अगर मैं बात करूँ दिल्ली में, तो 8 से 10 साल ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, 10 मान के चलो, ठीक है, इतना टाइम लग जा रहा है, क्योंकि कुछ बैच बड़े बड़े भी हैं। गुवाहाटी में भी बहुत स्लो है, हैदराबाद में लगभग वही 5 साल, जयपुर में 14 बैच तक का हो गया है, यानी कि आप देखोगे तो लगभग 7-8 साल, 7-8 ईयर्स। कोलकाता में काफ़ी स्लो है, सबसे स्लो लखनऊ में, जो कि अब तक, अगर लखनऊ वाले की बात करूँ मैं जो UP कैडर है, तो इसमें एक साथ क्लियर होंगे, 2011 बैच तक एक साथ प्रमोशन हो जाएगा सारे बैचेस का,
कोर्ट केस चल रहा है इस पर, तो जैसे ही वो क्लियर होगा एकदम से प्रमोशन यहाँ दिखेंगे। सेम फॉर कोलकाता, ठीक है, मुंबई में भी 6 साल में हो गया, 5-6 साल, रांची थोड़ा स्लो है और त्रिवेंद्रम स्लो है, वडोदरा में आप देखोगे लगभग 13 बैच जनरल और DGPM 14 और नार्कोटिक्स में 8 बैच, ठीक है। तो ये सारे CBIC के अंदर के पार्ट हैं, बाकी मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा कि कैसे कैसे होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। रूल ये कहता है कि आपके सिर्फ ट्रेनिंग हो जानी चाहिए जो 2 से 4 हफ्ते की जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो मैंने आपको बता दिया अभी, और आपका जो है 2 साल का प्रोबेशन कन्फर्म हो जाना चाहिए रेगुलर सर्वे, तो आप प्रमोशन हो जाएगा अगर सीट रहती है। अगर मैं बात करूँ इंस्पेक्टर की, तो लेवल 7 की पोस्ट है, लगभग 20,000 इंस्पेक्टर हैं हमारी पूरी कंट्री में। अब यार एक बात बताओ, किसी किसी डिपार्टमेंट में अगर 20,000 इंस्पेक्टर हैं तो आप समझ सकते हो उस डिपार्टमेंट का काम कितना ज़्यादा है, इतने स्टाफ को अगर मैनेज कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा है। वहीं अगर आप और किसी डिपार्टमेंट में देखो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है 9 से 10-12 हज़ार, ठीक है, और कोई भी आप डिपार्टमेंट उठा लो, नारकोटिक्स है 180 से 200 इंस्पेक्टर है बस ऑल ओवर इंडिया, मतलब 20,000 इंस्पेक्टर मतलब पूरे इंडिया में आप समझ लो कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और बहुत ज़्यादा जगह आप काम करने के मौके मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है अगर एक जगह आपकी ख़राब निकलती है, 2 टेन्योर आपके ख़राब निकलते हैं, तीसरा भी ख़राब निकलेगा, कभी भी आपका एक अच्छा टेन्योर जा सकता है, अच्छे से मतलब है जहाँ पर आपकी मन चाहा आपको काम करने का मौका मिले। जैसे कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि वो इस एजेंसी में काम करे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे किसी को CBI में जाना है सपोज, होते हैं ऐसे लोग और वो CBI में नहीं सेलेक्ट हो पाते, GST में होते हैं, तो यहाँ से डेपुटेशन पर जा सकते हैं। कुछ का होता है ED में जाना है तो यहाँ से डेपुटेशन पर जा सकते हैं। आप और भी डिपार्टमेंट से जा सकते हो, इनकम टैक्स से भी, हर डिपार्टमेंट से, बट क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो जाने के मौके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे फिजिकल स्टैंडर्ड की। फिजिकल स्टैंडर्ड में लगभग मेल्स के लिए 157.5 अगर आप इन एरियाज से नहीं हो, हिली एरियाज से, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, इस ये 76+5 है, यानी 76 आपकी बिना फूली और 5 एक्सपेंड करने के बाद। फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर आपको साइकिलिंग करनी है और वॉकिंग करनी है 15 मिनट में और साइकिलिंग करनी है 8 किलोमीटर। ये इजी होता है, ऐसा सीरियसली नहीं होता है, आप आराम से इसे पास कर सकते हो अगर आप नॉर्मली आप थोड़े से भी एक्टिव रहते हो या 1 महीने पहले भी आप अगर सीख लो तो हो जाएगी साइकिलिंग, ठीक है। फीमेल में हाइट 152, वेट 48, ठीक है, हाइट रिलैक्सेबल हिली एरिया के लिए। फीमेल में वॉकिंग 1 किलोमीटर 20 मिनट में, साइकिलिंग 3 किलोमीटर। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है या होने वाला है, मैं बता दूं आप 15 से 20 दिन में साइकिलिंग कर लोगे आराम से, थोड़ी सी आपको करके दिखानी होती है, जो ज़्यादा नहीं है, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आप कर लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। अगर मैं बात करूं UPSC की तैयारी कर सकते हो अलग अलग सेक्शन, यस, अभी तक बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है, ठीक है, बीच में आया था कोविड में, फिर उसके बाद से दोबारा हैम्पर हो चुका है, अभी दोबारा आएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे इंस्पेक्टर्स को देखा हर बैच में जो UPSC में लगते हैं, मैंने मतलब मेरे साथ में पोस्टेड लोगों को देखा IPS लगते हुए, IRS लगते हुए, UPSC को निकालते हुए, ठीक है। और ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर से, मैंने TA से भी देखा है, तो अगर आप मेहनत करते हो तो आपका पेपर निकल जाएगा। लगभग लास्ट अटेम्प्ट में भी ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनका हुआ है, कोई गाजियाबाद में SSP है, कोई कहीं और कुछ है, तो आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम निकल जाएगा UPSC भी इसके साथ रह के, ठीक है। प्रमोशन की बात करें तो लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं अगर रूल को हटा दें तो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया 4 साल बाद आपको एक अपग्रेडेशन मिल जाता है, आप 5400 ग्रेड पर पहुंच जाते हो, यानी अभी आप 4800 ग्रेड पर रहते हो और उसके बाद 54 पर जाने के बाद कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे आपको रहने खाने में अगर आप बाहर जाते हो तो TADA मिलता है, तो उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, वैसे 800 रहता है तो वो आपका 2200 तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 13 साल बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हो, ठीक है, GST के अंदर, यानी आप देखोगे लगभग 27-28 साल हो जाएंगे, 10-8-10 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 12 और 13 ये, तो लगभग 25 से 30 साल के बीच में आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो, फिर उसके बाद 4-4 साल में प्रमोशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका प्रमोशन फास्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट कवर किए हैं, अगर कुछ भी ऐसा रह गया हो, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी बिल्कुल नॉलेज को शेयर कर दिया है मैंने इसमें जितना हो सकता था, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, SSC Core 123 टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो कोई क्वेरी हो तो, और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हो, और हमारे ग्रुप प्रिपरेशन वाला जो मैं बता रहा हूँ, इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ CGL की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट।